हेलो गाइस, आप सभी लोगों का अब फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे एसीएस पुर्तगाल टी10 2024 के 59वें मैच के बारे में। ठीक है, यह मैच खेला जाएगा फाइटर सीसी वर्सेस रोनिन सीसी के बीच। मैच की टाइमिंग है 10:30 बजे स्टार्ट होएगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार। डेट देखें तो 4 मार्च 2024 आज ही की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो संतराम क्रिकेट ग्राउंड कटाक्सो में मैच खेले जा रहा है, तो आज का भी इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। ठीक है, और पेस बॉलरों के लिए यहाँ पे मदद है और बैटर को थोड़ी एडवांटेज है। ठीक है, एवरेज स्कोर की बात करें तो 110 से लेके 120 का बनता है एवरेज स्कोर। और वेन्यू रिकॉर्ड देखें इस सीजन में इस वेन्यू पर तो 57 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 23 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 11 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। यानी बस फर्स्ट बैटिंग वाली को थोड़ा बहुत एडवांटेज है, इसीलिए आप टीम थोड़ा बैटिंग फर्स्ट के फेवर में बनाना। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि इस मैच से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाए, क्योंकि दोनों टीमों के कुछ मैच हो चुके हैं और कुछ मैच बारिश की वजह से धुले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखोगे तो दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाएगी। पहली टीम की बात करते हैं फाइटर सीसी की, जिसने इस टूर्नामेंट में 5 मैच खेले हैं, 1 मैच जीती है, 2 मैच हारी है और 2 मैच इनों के बारिश की वजह से धुले हैं। ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड हमने सभी प्लेयरों का 5-5 मैच का लिखा है, क्योंकि जो 2 मैच बारिश की वजह से धुले थे उसमें भी 1 इनिंग हुई थी दोनों टीमों की। ठीक है, इसलिए हमने उसके भी रिकॉर्ड लिखा है ताकि आपको पता पड़ सके उस मैच में कैसी परफॉर्मेंस करी थी किस प्लेयर ने। ठीक है, पहले बात करते हैं फाइटर सीसी के। तो फाइटर सीसी ने 5 मैच खेले, 1 जीती है, 2 हारी है और 2 मैच इनों के 9 रिजल्ट रहे। इनों की तरफ से ओपनिंग कर रहे दलविंदर सिंह और परविंदर सिंह। ठीक है, दलविंदर सिंह की बात करें तो 5 मैच में 73 रन बनाए, 6 ओवर की गेंदबाजी करिए, 4 विकेट लिए, यानी बॉलिंग और बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप इस 5 मैच में से 3 मैच ही इन्होंने पूरे कंप्लीट खेले हैं, तो वो उसी का रिकॉर्ड है। ठीक है, ये तो यानी सब प्लेयरों के आप दो दो मैच कम करके इन्हों के रिकॉर्ड देखना। ठीक है, 5 मैच में 73 रन, 6 ओवर की गेंदबाजी, 4 विकेट, यानी सभी मैचों में लगभग दो दो ओवरों की गेंदबाजी कराई है और साथ ही बैटिंग से भी ओपनिंग करते हुए कॉन्ट्रीब्यूट करा है। ठीक है, इसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखे तो 12 मैच में 169 रन बनाया, 24 की एवरेज से 22 ओवर की गेंदबाजी करी है, 13 विकेट लिए। तो इसको ट्राई करेंगे अपन और कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन भी 87% है। इसके बाद है परविंदर सिंह, जिसने 5 मैच में 35 रन बनाया, 6 ओवर की गेंदबाजी करी है, 5 विकेट लिए। ठीक है, तो यह भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहा है, ओपनिंग कर रहा है, तो यह भी आपके लिए मस्ट पिक 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 है। सिलेक्शन भी देखेंगे तो 79% है। उसके बाद है हरजोत सातो, जिसने 5 मैच में 79 रन बनाया, 4 ओवर की गेंदबाजी करी है, 3 विकेट लिए। ठीक है, तो इसने भी 4 ओवर की गेंदबाजी कराई, लगभग हर मैच में गेंदबाजी करवाई है और ओवरऑल रिकॉर्ड देखे तो 79 रन बनाए इसने इस टूर्नामेंट के 3 मैचों में। ठीक है, ओवरऑल रिकॉर्ड देखे तो 7 मैच में 74 रन है, 7 ओवर की गेंदबाजी करी है, 5 विकेट लिए। पुराना रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है और इस टूर्नामेंट में थोड़ा बेहतरीन रिकॉर्ड है इसका। ठीक है, तो इसको जरूर ट्राई करेंगे। इसके बाद है परमिंदर सिंह, जिसने 5 मैच खेले इस टूर्नामेंट में, 102 रन बनाए, 6 ओवरों की गेंदबाजी करिए, 4 विकेट लिए, यानी ये 3 मैचों का रिकॉर्ड है। ठीक है, 3 मैच में 102 रन बनाए, 6 ओवर की गेंदबाजी करिए, 4 विकेट लिए, ये आपको मिलेगा विकेट कीपिंग सेक्शन में। ये विकेट कीपिंग नहीं कर रहा है, ये ऑलराउंडर है और बॉलिंग और बैटिंग दोनों करा रहा है, बढ़िया प्लेयर है। ठीक है, तो इसको भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद है राहुल, जिसने इस टूर्नामेंट के 3 मैचों में 6 ओवर की गेंदबाजी कराई है, 2 विकेट लिए, तो यानी हर मैच में इसने दो दो ओवरों की गेंदबाजी कराई है, साथ ही नंबर 5 पर बैटिंग कर रहा है, तो यह भी आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर है। ठीक है, अभी तक इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस थोड़ी नहीं कर पाया, लेकिन किसी भी मैच में एक अच्छी पारी खेल सकता है। इसके बाद है वीरेंद्र सिंह वारिक, जिसने 5 मैच में 22 रन बनाया, बैटिंग पोजीशन नीचे है इसलिए अपन ट्राई नहीं करेंगे। ओवरऑल टी10 का रिकॉर्ड देखें, 22 मैच में 220 रन, 10 ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट है। इसके बाद है ललित कुमार, जो खाली बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, बैटिंग पोजीशन नीचे है। इस टूर्नामेंट के 3 मैच में 7 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी करी है, विकेट लेस गया है। ठीक है, ओवरऑल टी10 का रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं, 14 मैच में 48 रन, 4 ओवर की गेंदबाजी, विकेट 1 विकेट, कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है दोनों जगह, इसलिए अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे। इसके बाद है मोहम्मद बिलाल, जिसने 5 मैच में 5 रन बनाए, तो इसका भी बैटिंग पोजीशन नीचे और बॉलिंग बिल्कुल नहीं करा रहा, तो इसको ट्राई नहीं करेंगे। इसके बाद है गुरविंदर सिंह, जिसने 3 मैच में 7 रन बनाए इस टूर्नामेंट के, ओवरऑल रिकॉर्ड देखे तो 25 मैच में 28 ओवर की गेंदबाजी, 11 विकेट है। इस टूर्नामेंट में भले ही बॉलिंग नहीं करवाई, लेकिन यह किसी भी मैच में बॉलिंग करवा सकता है, तो आप इसको इग्नोर मत करना, रिस्की ग्रैंड लीग टीमों में आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद है गुरसेवक सिंह, जिसने 4 मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी कराई, विकेट लेस गया। ठीक है, इसके बाद है रमनदीप सिंह, जिसने 3 मैच खेले इस टूर्नामेंट में, बैटिंग बॉलिंग कुछ भी मौका नहीं मिला। ठीक है, बात करते हैं बेंच की, तो बेंच पर से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टेट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ ताकि इस मैच से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस टूर्नामेंट से रिलेटेड आपको सारे वीडियो मिलेंगे। साथ ही नाइट की जो ड्रीम इलेवन टब्बो की सीरीज चलती है, तो उसमें भी हम वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसमें भी आपको एक अच्छी टीम बनाने में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, बात करते हैं दूसरी टीम रोनिन सीसी की। ठीक है, इनके इस टूर्नामेंट में 3 मैच हुए हैं, 2 मैच जीती है और 1 मैच ये हारी है।
और एक मैच इन्हों का अभी लाइव चल रहा है जो 8:30 बजे स्टार्ट हुआ, तो हमने खाली उस मैच का रिकॉर्ड नहीं लिखा, बाकी सबका हमने रिकॉर्ड लिख दिया। ठीक है, इन्हों की तरफ से ओपनिंग कर रहा है उस्ताद करकी, जिसने 3 मैच में 31 रन बनाया इस टूर्नामेंट में। ओवरऑल रिकॉर्ड देखें 9 मैच में 93 रन 13 की एवरेज से बनाए। उसके बाद है नवीन्दु सिन्हा, जिसने 3 मैच में 42 रन बनाए, 17 मैचों में इसने 65 रन ओवरऑल बना रखे हैं, 5 ओवर की गेंदबाजी करे, 3 विकेट लिए। तो यह टीम थोड़ी वीक नज़र आ रही है दूसरी टीम के मुकाबले, तो आप इसके कम प्लेयर ट्राई करना, सामने वाली टीम के ज़्यादा प्लेयर ले सकते हो। ठीक है, किसी भी एक प्लेयर को ट्राई कर सकते हो दोनों में ओपनर में से, उस्ताद करकी को ट्राई कर सकते हो या नवीन्दु सिन्हा को, दोनों में से एक ट्राई करना तो आप नवीन्दु सिन्हा को ट्राई कर लेना, क्योंकि ये विकेट कीपिंग के पॉइंट भी आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रभ चीमा, जो पिछला मैच खेला था खाली, जिसमें इसने शानदार परफॉर्मेंस दी थी, 41 रन बनाए थे और 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई थी। ठीक है, तो लोगों का ध्यान इस पर भी नहीं है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। इसके सिलेक्शन की बात करें प्रभ चीमा का, तो प्रभ चीमा का सिलेक्शन मात्र 7% है। ठीक है, लोग इग्नोर कर रहे हैं लेकिन आप इग्नोर मत करना, मैन प्लेयर है और बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, इसका बाद है नीलेश सूर्यवंशी, जिसने 3 मैच में 64 रन बनाया, 6 ओवर की गेंदबाजी करी, 3 विकेट लिए। यह भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है T10 का, और इन्हों की जो टीम है इसमें ज़्यादातर प्लेयरों के पास T10 का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस प्लेयर के पास 19 मैचों का अनुभव है, 116 रन बनाया, 17 ओवर की गेंदबाजी करी, 12 विकेट लिए। पुराना रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन इस टूर्नामेंट में कुछ खासा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। लोग इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, आप कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, लेकिन आप इसको सभी टीमों में ट्राई करना। 3 मैच में 64 रन बनाया, 6 ओवर की गेंदबाजी करिए, 3 विकेट लिए। इसके बाद इसको भी सेलेक्ट कर लेते अपन, सेलेक्ट करावाए। इसके बाद जसविंदर सिंह, 3 मैच में 55 रन बनाए इसने इस टूर्नामेंट के। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे 22 मैच में 156 रन 11 की एवरेज से बनाए, 14 ओवर की गेंदबाजी करिए, 6 विकेट लिए। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, बैटिंग फर्स्ट में आप इसको ट्राई करना, सेकंड में आप इसको ड्रॉप कर देना। इसके बाद है गौरव शर्मा, जिसने 3 मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी कराई है और 4 विकेट लिए, यह आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेगा, अपन यह भी एक ठीक ठाक पिक है, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों करके दे रहा है, साथ ही आपको कंफर्म 2 ओवरों की गेंदबाजी करवा के देगा सभी मैचों में। उसके बाद एक किरण कुंदेल, जिसने 3 मैच में 5 ओवर की गेंदबाजी कराई, 3 विकेट लिए। ठीक है, इसके ओवरऑल रिकॉर्ड देखे 20 मैच ये T20 का है, जिसमें 61 रन बनाया, 43 ओवर की गेंदबाजी करिए, 10 विकेट लिए। ठीक है, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बैटिंग सेकंड आवे तब इसनों की टीम की। ठीक है, जब इनों की टीम पहले गेंदबाजी करवावे, जब इस प्लेयर को ट्राई करना है। और इसके बाद है उज्जवल कंसल, जिसने 3 मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी कराई, 2 विकेट लिए। ओवरऑल T10 का रिकॉर्ड देखे 7 मैच में 7 ओवर की गेंदबाजी 4 विकेट है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को ट्राई करना है। इसके बाद है अब्जू लैटिन, जिसने 3 मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी कराई, 1 विकेट लिए। तीनों प्लेयर है तो तीनों ही बॉलिंग करवा रहे हैं सभी मैचों में, तो इन तीनों में से किसी दो प्लेयरों के साथ आपको जाना है। ठीक है, इसके बाद है अगर इन्हों की टीम पहले गेंदबाजी करवावे तो 2 प्लेयर लेने, और अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तो आप एक प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है गुरजंत ढिल्लन, जिसने इस टूर्नामेंट के 3 मैच में मात्र 2 रन बनाया, कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं है, बैटिंग पोजीशन नीचे है और रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है ओवरऑल। इसके बाद है रसील खान, जिसने 1 मैच खेला है पिछला वाला, जिसमें बैटिंग बॉलिंग कुछ भी मौका नहीं मिला। बेंच की बात करते हैं तो इस टीम में भी बेंच पर खूब सारे प्लेयर है, तो इनमें से कोई भी खेलेगा तो उसके स्टैट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, बात करते हैं टीम की, तो यह 8-9 प्लेयर आपने सेलेक्टेड बाय आ चुके हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पिक्स है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको बता देता हूँ, बाकी के जो प्लेयर हैं उनको रोटेट कर सकते हो, जैसे उज्जवल को, कुंसल को। ठीक है, इसके अलावा नवीन्दु सिन्हा, इन सभी को आप रोटेट करके टीमें क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल कैप्टनसी की बात करें तो टीम ये निकल के आ रही है जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। ठीक है, कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी के इसमें खूब सारे ऑप्शन है, विकेट कीपर बैट्समैन परविंदर सिंह। ठीक है, इसके अलावा परमिंदर सिंह भी अच्छा ऑप्शन है, डी सिंह भी अच्छा ऑप्शन है, हरजोत भी एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस करा इस टूर्नामेंट में, 79 की एवरेज पॉइंट है इसके। इसके अलावा लोग नीलेश सूर्यवंशी को बना रहे हैं, लेकिन आप दूसरी वाली फाइटर CC के प्लेयरों पर ज़्यादा दाव लेना, दीवेंद्र सिंह को बना देना और वाइस कैप्टन आप हरदीप सातों को बना देना। ठीक है, बढ़िया, खाली डेमो टीम है, फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो उससे ज्वाइन हो जाना फाइनल टीम के लिए। धन्यवाद।